लॉकडाउन में फंसे मजदूरों को उनके प्रदेश भेजने की लगातार कवायद जारी है। इसी क्रम में फंसे हुए मजदूरों के लिए जिला प्रशासन की ओर से गाजियाबाद के 6 अलग अलग जगहों से राजस्थान जाने के लिए बसें चलाई जा रही हैं। इन बसों से जाने के लिए लगभग 881 मजदूर ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है। लॉकडाउन 3 का आगाज हो चुका है, ऐसे में कई जिलों में प्रवासी मजदूर फंसे हुए थे, उनको आज यहां से निकाला जा रहा है। 900 लगभग गाजियाबाद में मजदूर हैं जो फंसे हुए थे, ऐसे में कुछ मजदूर हैं उनसे बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? लेखराम नाम। सर आज कहां जा रहे हैं आप, क्या व्यवस्था आज कराई गई है जिला प्रशासन से? राजस्थान में चूरू जा रहे हैं सर। चूरू जा रहे हैं। खाने पीने की व्यवस्था पूरी कराई गई? पूरी करवाई गई है। स्कैनिंग भी कराई गई है आपकी? स्कैनिंग भी करवाई गई है सर। बिल्कुल, और भी लोग हैं, औरों से भी हम बात करते हैं, आखिरकार किस तरीके की व्यवस्था यहाँ पे कराई गई थी? बहुत अच्छी व्यवस्था है जी, 3 महीने से फंसे हुए थे। व्यवस्था ठीक है? बहुत अच्छी है जी। बिल्कुल, जैसा कि लोगों से हमने जाना तो उनका कहना है कि व्यवस्था ठीक है। और भी मैं आप पीछे दिखाना चाहूँगा किस तरीके की व्यवस्था जो है जिला प्रशासन स्वास्थ्य विभाग द्वारा की गई है। एक एक मजदूर की थर्मल स्कैनिंग की जा रही है, उनका टेम्परेचर नापा जा रहा है, उसके बाद में ही इनको बस में रवाना होने के लिए भेजा जा रहा है। मैं आपको बता दूँ सिर्फ आज अलग अलग जगह से गाजियाबाद में राजस्थान के लिए ही बस चलाई गई हैं, जिसमें कि आप देख सकते हैं किस तरीके से मजदूर बच्चे तमाम सभी लोग आज रवाना हो रहे हैं यहाँ से। कुछ ही देर में यहाँ से रवाना होंगे अपने गंतव्य तक। लगातार जो है मजदूर जो है रिक्वेस्ट कर रहे थे प्रशासन से कि हमें घर जाना है, तो जिसके चलते प्रशासन द्वारा ये प्रबंध किया गया है इनके लिए। गाजियाबाद से अनिल चौधरी, R9 उत्तर प्रदेश।